हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैंने रखा था दूध गर्म करने के लिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय गर्म करने के लिए रख दी क्योंकि चाय मैंने पहले ही बना दी थी अभी। और यहाँ पर मैंने मेरे लिए बनाई है पूरम पूरी। आज का नाश्ता ये होगा मेरा। तो ना पूरम पूरी का थोड़ा सा ना रखा था आटा और चने की दाल वगैरह रखी थी, तो मैंने कहा चलिए मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और काव्या को जो है पास्ता खाना है सुबह सुबह, तो मैंने कहा चलिए काव्या के लिए पास्ता बना लेती हूँ और मेरे लिए पूरम पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है और काव्या के लिए बना रही हूँ मैं पास्ता। और देखते हैं आज के हमारे रूटीन कैसे होंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ और पूरा व्लॉग देखिए कि आज हमारे किस तरीके से रूटीन चलते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और यहाँ पर झटपट से बना लेते हैं काव्या के लिए नाश्ता। और सबसे पहले मैं उसको नाश्ता, ये देखिए पास्ता बन के रेडी है। तो मैं जा रही हूँ काव्या को देने के लिए गर्मा गर्म पास्ता, वो खा लेगी और फिर मैं अपना नाश्ता लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पहले काव्या को दे देती हूँ, फिर मैं लेकर जाऊँगी अपना चाय नाश्ता। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम गांव जाने वाले थे, तो वो सारा सामान हमने निकाल के रखा था पैक करने के लिए। बैग पैक हो गई थी लेकिन फिर उसके बाद जो है हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पसरा के रखी हैं वो सारी समेटनी पड़ेगी। जो जो चीज़ें जहाँ पर रहती है उन सबको उनकी जगह पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने साड़ियाँ निकाली थी ले जाने के लिए, तो वो सब भी मैंने हैंगल में लगा दी और वापस से कबाट में सेट कर दी है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमने निकाली थी गांव ले जाने के लिए। तो मैंने कहा चलिए अब इनको सेट कर देते हैं, रख देते हैं अच्छे तरीके से, फिर जब दोबारा जाएंगे तो फिर देखेंगे। अभी वैसे तो बहुत मूड ख़राब हुआ है, चलिए फिर लेकिन कर लेते हैं धीरे धीरे से काम। और देखो बाहर कितना अंधेरा लग रहा है ना, हम इतनी सुबह उठी हूँ ना मैं कि आप बोलोगे कि मैं कितना, मतलब सुबह हो रही है कि रात हो रही है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह उठी हुई, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलिए उठ गए हैं तो फिर रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए जो सामान निकाला था जैसे कि सारे काजल, लिपस्टिक, क्रीम वगैरह, तो उन सबको वापस से सेट कर दिया यहाँ पर मैंने। और अब जो है घर में लगाऊंगी झाड़ू पोछा, क्योंकि सुबह अभी आज मैं उठ गई हूँ जल्दी, तो मैंने कहा चलिए ये काम कर ही लेते हैं सुबह से। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है और अब मैं पोछा लगा दूंगी और उसके बाद जाऊंगी मैं बाकी काम करने के लिए। आज मेरे पास अब बहुत टाइम है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो रखे थे बाहर सुखाने के लिए डाले थे वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर मेरा नया कुर्ता है जो मैंने अभी तक एक बार भी ट्राई नहीं किया, लेकर सिर्फ रखा हुआ है। और ये मेरी नई वाली साड़ी है, सोचा था गणपति पे इस बार पहनूंगी तो लेकिन पहन नहीं पाई, जा नहीं पाए। तो यहाँ पर अब मैंने ये साड़ी जो है मैं सोच रही हूँ इसको वापस से रख देती हूँ, अब देखते हैं नवरात्रि में ही यूज़ हो जाएगी। और यहाँ पर जो थोड़े बहुत कपड़े थे उनकी भी घड़ी लगा देती हूँ। यहाँ पर काव्या के कपड़े रखे हैं तो इन सबको रख दूँगी मैं सेट करके कबाट में। और यहाँ पर टेबल पे थोड़ा सा सामान इधर उधर से पसरा हुआ है, तो मैंने कहा चलिए इसको भी इसे ठीक कर देते हैं। काव्या के खिलौने वगैरह, पेंसिल वगैरह यहाँ पर रखी हुई है, तो मैंने कहा इन सबको ठीक से रख देते हैं और टेबल थोड़ा साफ़ दिखेगा। और बाकी बेडशीट वगैरह तो मैं आज चेंज नहीं करूँगी, वो तो मैं कल ही करूँगी। तो यहाँ पर क्योंकि बेडशीट अभी ठीक ही लग रही है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई है, तो इसको हल्के से इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद ये देखिए घर एकदम से सेट हो गया है और अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद ना अभी मॉर्निंग में बहुत, मतलब नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया था हमने, फिर मैंने सोचा क्यों ना नींबू शरबत पी लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे चाय पीने का मन था लेकिन मैंने कहा नहीं चाय नहीं पीते हैं, तो नींबू शरबत बना लिया मैंने यहाँ पर मेरे लिए। और अभी मैं थोड़ा सा टीवी देख रही थी, सोच रही हूँ कि बाकी के काम भी करने, मुझे मैं सोच रही हूँ आराम आराम से करती हूँ क्योंकि आज बहुत जल्दी उठ कर सारे काम हो गए हैं और कुछ बाकी है तो वो मैं भी कर लूँगी जल्दी से। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो वैसे तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी तक ना मुझे, मैं ना हम लोग रात भर से मैं जागी हुई हूँ, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद मॉर्निंग में उठे जल्दी, तो सारे काम वगैरह किया, नाश्ता वगैरह किया। और ये घर पे नहीं है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ना हमको, मुझे और काव्या को बिल्कुल भी आदत नहीं है इनके बिना रहने की। और रात को तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, काव्या भी अभी सोई है, उसे अब नींद आई है और मुझे नींद आ रही थी, लेकिन ना मुझे रात को नींद नहीं आती है, घर में अकेले रहने की आदत नहीं है, मुझे डर लगता है थोड़ा सा। और अब तो मैंने, हमने डिसाइड कर दिया है मैंने और काव्या ने कि जब भी गाँव जाने का प्रोग्राम होगा ना, जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा, क्योंकि फिर ना हमारा यहाँ पे, मतलब मेरा और काव्या का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, फिर नींद भी नहीं आती है रात को। और काव्या भी अभी सोई है,
और मेरे देखो सारे काम हो चुके हैं मॉर्निंग के आज जल्दी। वैसे तो ये कल आने वाले हैं और काव्या का स्कूल भी है आज, तो सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा आराम करने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने की, अगर नींद आ गई तो अच्छा है। वैसे तो अभी थोड़ी देर में 6 बजने वाले हैं और 6 बज जाएंगे, फिर ऐसे कुछ काम तो रहेगा नहीं, बस खाना वगैरह थोड़ा बहुत बनाना है, मेरे और काव्या के लिए लंच बनाना है और देखते हैं आज वो टिफ़िन में क्या लेकर जाएगी। वैसे आज शायद काव्या का मन नहीं है स्कूल जाने का, उसको अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, बोल रही है कि मम्मी पापा कब आएंगे, तो कल आ जाएंगे ये फाइनली, और फिर हमें आराम मिल जाएगा और फिर हम अच्छे से रात को सो पाएंगे और थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ना घर एकदम खाली खाली लग रहा है बिल्कुल भी मन नहीं, जैसे होता है ना किस किस को ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके बताना कि घर में अकेले रहने की आदत नहीं होती है, फिर नींद नहीं आती है अकेले रात को। मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं इनके भी मतलब घर में ऐसे कभी अकेले रही ही नहीं हूँ ना, तो अभी मैं और काव्या हैं साथ में, अगर मैं अकेली होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहती, और काव्या है तो थोड़ा मन लग जाता है मेरा, क्योंकि वो पूरा दिन मस्ती करती है, बातें करती है अच्छे से और खेलती है, इसके साथ मन लगा रहता है। लेकिन हाँ हम दोनों ही मतलब रात को अकेले घर पर ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगा, तो बहुत बोर हो गए, तो अभी देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कि काव्या सो रही है, उसको मेरी आवाज़ आएगी तो उठ जाएगी, मैं आप लोगों से बातें करूँगी, क्योंकि वो अभी बड़ी मुश्किल से सोई है, तो चलिए मैं भी कोशिश करती हूँ सोने की और मिलती हूँ फिर आप लोगों से। वैसे तो अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं, और पता है बाहर बहुत अंधेरा लग ही नहीं रहा है कि 6 बजने वाले हैं, वैसे 5:30 का टाइम हो रहा है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। पर मैंने बनाई है कढ़ी, टमाटर की कढ़ी और राइस, मेरा और काव्या का दोपहर का लंच, तो यही बनाया मैंने आज। तो अभी देखिए दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैंने ना खाना बना दिया है आज, काव्या को टमाटर की कढ़ी और राइस खाना था तो वही सिंपल सा खाना बनाया है, और अभी मैं जा रही थी बाहर काव्या के पास, काव्या देख रही टीवी, मैंने कहा चलिए ब्लॉग कब से स्टार्ट है मॉर्निंग से, और अभी चलिए चल बाबाला माहित बाबाला काय आवडतं तुला माहित आहेस ना, बाबाची डाळकी छकुली कोण, मामी छकुली है ना, मग जेवण तू कर, मी छोटी बच्ची आहे तर मग जेवण कोण करणार इथे घरी, तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, मैं सोच रही हूँ मैं मेरे लिए चाय बना लूँ, बहुत कंटाला आ रहा है, क्योंकि ना एक तो रात को तो ठीक से सोई नहीं पाई थी, मैं गई थी सोने के लिए, फिर नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं उठ गई फिर से और बाकी के जो घर के काम थे वो करने लगे, बस व्लॉग शूट नहीं किया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रात के बज रहे हैं 12 और मैंने अभी अभी किया धूरी, क्योंकि ना काव्या को थोड़ी सी सर्दी भी हो गई थी, और आज जो है हम अपनी विंडो देखे, रोज हम 5 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन आज ना ओपन ही थी, बहुत सारे मच्छर घर में आ गए थे, तो मैंने कहा एक काज दो काम हो जाएंगे, काव्या की सर्दी है वो भी धूरी भी हो जाएगी और मच्छर भी चले जाएंगे, तो यहाँ पर पूरा घर में धुआं धुआं हो गया, मेरी आंखें जलने लगी, काव्या बाहर बैठी है उसकी भी आंखें जल रही है और ये घर पे नहीं है, तो मैंने कहा चलिए आज आप लोग के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, देख आप लोग को दिखाती हूँ कि ये घर पे नहीं है तो हमारे रूटीन किस तरीके से होते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि हम अकेले इस तरीके से रहते नहीं इनके बिना, और आज अभी ये दूसरी बार है कि हम इनके बिना अकेले घर पर हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है जो गाँव गए हमें हमारे बिना, तो इस बार हम जाने वाले थे लेकिन थोड़ा सा कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पर अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या करी है। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन से, तो ये देखिए यहाँ चल रही है टीवी और काव्या टीवी देख रही है। काव्या देखिए दो खोलने खिड़की खोलने के लिए वो, क्योंकि उसे बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा धुआं हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ धुआं, पूरे घर में धुआं हो चुका है। लेकिन छोड़, तू सब सच बता दे, मैं हूँ ना, देख लो भैया इसकी जिम्मेदारी।